बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुएब भट्ट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिलाल व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम बनाएंगे एयर कंडीशन के ऊपर, भी एयर कंडीशन को अगर ऑन किया जाए रिमोट के बगैर, रिमोट गुम हो जाए या उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए, एमरजेंसी में अगर आपने एसी को ऑन करना है तो वो किस तरह किया जाएगा, तो मोबाइल ऐप के बगैर ही हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे भी ये इनडोर कैसे ऑन होगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल के साथ नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि रिमोट के बगैर एसी को ऑन कैसे किया जाता है। बाद में तो ऐसा होता है कि रिमोट घूम जाता है या बच्चों की वजह से ये छुपा दिया जाता है, बाद में मिलता नहीं, या बाद में ऐसे होता है कि इसकी जो बैटरी या सेल वगैरह ये वीक हो जाता है, एसी को ऑन नहीं होता। तो एमरजेंसी में जब एसी को ऑन किया जाएगा तो वो किस तरह किया जाएगा, अगर आपका रिमोट ख़राब हो जाए तो वो किस तरह ऑन किया जाएगा, वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊँगा आज। तो जैसा कि आप जानते हैं भी 24 के ऊपर ये एसी ऑन है, तो इसके ऊपर भी 24 आ रहा है रिमोट के ऊपर। ये रिमोट को, रिमोट के ऊपर से इसको मैं बंद करूँगा और फिर इसके बगैर ही आपको ऑन करने का तरीका बताऊँगा, और बहुत ही आसान होगा, तो आप इंशाल्लाह ताला गौर से समझेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। तो ये देखिए, अभी मैं एसी को ऑफ करता हूँ, ये एसी ऑफ हो चुका है हमारा। तो अभी मैं आपको ये मैनुअल स्विच बताऊंगा इसका, जो हर कंपनी में मैनुअल स्विच लगा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है ये मैनुअल स्विच किधर है और रिमोट के बगैर ये कैसे ऑन होगा। तो जब भी ये रिमोट ख़राब हो जाए, बैटरी ख़राब हो जाए, तो हमें यहाँ बैटरी नहीं लानी पड़ेगी या रिमोट नहीं लाना पड़ेगा और फिर एसी ऑन हम करते हैं। तो इसके बगैर इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा। ये सबसे पहले इस कवर को ओपन किया जाएगा ऐसे, ये देखिए जी, ये एसी को मैंने ओपन कर दिया। तो बाद एसी की जो एलसीडी लगी होती है इस जगह पे लगी होती है, तो बाद की इस जगह पे लगी होती है, इसकी एलसीडी सेंटर में है, ठीक है जी। तो जो इस जगह पे एलसीडी लगी होती है, बाद मरतबा हर कंपनी का अलहदा अलहदा फंक्शन होता है, उन्होंने अलहदा अलहदा जगह पे इसका स्विच का रखा होता है बटन, तो जिधर आप उसे ऑन कर सकते हैं। बाज का इस तरफ होगा और ज़्यादातर आता है इस साइड के ऊपर। तो इस कवर के अंदर अभी एसी का जो मैनुअल स्विच मौजूद है वो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको दिखाऊंगा भी इसको पुश करने से ये चलेगा जी। इस एसी का ये देखिए, आपको ये सुराख नज़र आ रहा है, तो सुराख के अंदर हम अगर गौर से देखें तो वो इसके पीछे एक बटन है, लेकिन मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊँगा अंदर तक, आपको समझ आ जाए भी इसको ये बटन कौन सा और ये कैसे ऑन होगा। तो सबसे पहले मैं इस कवर को ओपन करूंगा, ओपन करने के लिए इस स्क्रू को ओपन करूंगा, फिर ये कवर बाहर आएगा, फिर इसके पीछे बटन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये है, इसके पीछे एक और कवर है, उसको ओपन करेंगे। हर कंपनी का लहदा लहदा फंक्शन होता है और बटन भी उन्होंने जो दिया होता है इसका पुश करने के लिए लहदा लहदा जगह पर दिया होता है, जिसके लिए हमें इसे पुश करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम ओपन करेंगे, ये दो कवर ओपन हो चुके हैं, क्योंकि ये हाइड का इन्वर्टर एसी है, डीसी इन्वर्टर एसी है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ जी, ये देखिए जी, ये ओपन हो चुका है और जो बटन है जिसके ज़रिए ये एसी को ऑन होता है, ये वाला बटन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा बटन है। इसको हम पुश करेंगे, इसको पुश करने से एसी ऑन हो जाएगा। ये देखे, अभी ये एसी बंद है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल एसी ऑफ है। तो इसको अभी हम ऑफ ऑन करेंगे इसके ज़रिए। तो आपने ऑन कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि हमें तो पता है हमने इसको किस तरीके से कैसे ऑन करना है। अगर हम पेचकस की मदद से भी करें तो बहुत एहतियात से करेंगे, लेकिन आपने पेचकस की मदद से नहीं करना और ना ही किसी फिंगर की मदद से करना है। आपने सिर्फ करना है तो या तो पिंसल होगी, लकड़ी की पिंसल होगी, उससे करना है, पेन के साथ कर लें या किसी लकड़ी के तीले के साथ कर लें ताकि ये ऑन हो जाए। अभी मैं इसको ऐसे ही ऑन करूँगा, ये देखें, ये पुश किया और ये एसी ऑन हो गया, ये देखें एसी हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी हम दोबारा इसको बंद करेंगे, अगर बंद करना चाहें तो इधर से भी बंद हो जाएगा, ये देखें, ये दोबारा पुश किया और एसी ऑफ हो गया। तो ये इसके हर कंपनी में ये इस स्विच लगा होता है, इसी तरह मैनुअल स्विच दिया होता है। तो मैं आपको ये दोबारा इसको बंद करके और फिर आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह इसको ऑन और ऑफ़ करना है। तो ये ओपन करने का मकसद ये है भी आपको पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑन ऑफ़ करेगी।
जी देखिए जी, वैसे ही मैंने इस कवर को बंद कर दिया जैसे मैंने ओपन किया था, सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए और दिखाने के लिए मैंने इसे ओपन किया था। और जब भी ये आपको होल नज़र आएगा, इस होल के ऊपर लिखा होगा ऑन ऑफ, या इस पे लिखा होगा ऑटो रीस्टार्ट, तो या मैनुअल स्विच लिखा होगा। ये ऑन ऑफ जिधर लिखा होगा उधर होल के अंदर आपने इसको पेचकस की, मैं तो पेचकस की मदद से करूँगा, आपने कोई पिंसिल वगैरह लेनी है उससे करना है, या कोई लकड़ की ऐसी चीज़ लेनी है जिससे आप ऑन कर सके, लोहे की ऐसी चीज़ से नहीं करना, वो चीज़ शार्ट हो जाए, आपका कोई मसला बन जाए। तो मैं तो इस बात को समझता हूँ, तो इसलिए मैंने ये पेचकस की मदद से ऑन कर रहा हूँ मैं। ये देखे, ये मैंने इसको ऑन करूँगा, अभी एसी ऑफ है तो ये एसी हमारा ऑन हो जाएगा। ये देखे जी, एसी ऑन हो चुका है, और इधर से हम दोबारा ऑफ भी करना चाहें तो ऑफ भी हो जाएगा। अगर आप ऑफ नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट बटन से ऑफ कर दे तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर ये 24 टेम्परेचर पे चल रहा है, हमने भी इसको जब ऑफ किया ये 24 टेम्परेचर था, हमारा रिमोट गुम हो गया या ख़राब हो गया, अभी हम दोबारा इसको ऑन करना चाहते हैं, तो अगर हम इस मैनुअल स्विच से इसे ऑन करेंगे तो ये 24 पर ही ऑन होगा, यानी कि जिस रिमोट के फंक्शन के ऊपर हमने इसको सेटिंग करके इसको ऑफ कर दिया है, रिमोट हमारा ख़राब हो गया या गुम हो गया, ये उसी टेम्परेचर के ऊपर और उसी फंक्शन के ऊपर ये ऑन होगा। ये 24 पर बंद किया था हमने और 24 पर ही ऑन हुआ है। तो इसी तरह इसको आप मैनुअल स्विच के साथ ऑन कर सकते हैं, अगर आपका रिमोट ख़राब हो जाए तो आप ये इसको डायरेक्ट इसी तरह चलाया जा सकता है। तो अगर ये बात करें हम ये रूम टेम्परेचर की, ये रूम टेम्परेचर होता है, अगर आप कूलिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एसी का टेम्परेचर 26 पे सेटिंग किया हुआ है या 28 पे सेटिंग किया है, तो अगर आप उसका टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, 16 करना चाहते हैं या 24 करना चाहते हैं या 25 करना चाहते हैं, तो ये मैनुअल स्विच के साथ इसको टेम्परेचर को अप डाउन नहीं किया जा सकेगा। अगर हमने जिस टेम्परेचर पे किया है ये उसी टेम्परेचर पर ऑन होगा। तो अगर हम चाहते हैं कूलिंग ज़्यादा हो, हमारा टेम्परेचर कम है, रिमोट भी नहीं मिल रहा, इससे ऑन तो हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर या फैन की स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए हमको कूलिंग ज़्यादा करने के लिए, अगर हमने 26 पे किया है तो हमें कूलिंग चाहिए 24 की, तो हम ये रूम टेम्परेचर होता है सेंसर, इसको हम थोड़ा सा दूर कर देंगे या इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगा देंगे जिससे थोड़ा सा ये गर्म रहे, और ये गर्म रहेगा और रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये ठंडा हो जाएगा जल्दी, यानी कि 26 पे किया 28 पे किया, ये उसी टेम्परेचर पे आके इसको ऑफ़ करा देगा। ऑफ़ कराने का मकसद ये होगा जब ये इसका टेम्परेचर फिर कम होगा ये ऑन हो जाएगा खुद ब खुद। तो अगर आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा करना चाहते हैं, इसको किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ की मदद के साथ, जी ये देखिए ये रूम टेम्परेचर है, इसको हम किसी कागज़ के साथ, किसी टेप के साथ, इसके जो ऊपर आगे वाला मुंह है इसको अगर हम कर देंगे टेप वगैरह, तो इसका जो समझ लीजिए अगर हमने 26 पे किया तो ये ज़्यादा कूलिंग करेगा, क्योंकि ये गर्म होता है तो कूलिंग करता है, जब ये टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा हो जाता है तो फिर उसी लेवल पर आके इसको बंद कर दिया जाता है। तो इसको अगर हम कूलिंग ज़्यादा करने के लिए इसके आगे टेप वगैरह लगा लें तो ये बेहतर होगा, तो इससे ये होगा भी कूलिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो ये रहा होल इसका जो मैंने आपको दिखाया है और बताया भी है, इसके अंदर स्विच वगैरह, तो ये देखिए ये ऑन ऑफ लिखा हुआ है जिसके ज़रिए हम इसको एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिमोट के बगैर हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल के साथ नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।